दरअसल भारत ने चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंधित रसायनों से भरी एक पूरी खेप जब्त कर ली है। ये भारत के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि है, पाकिस्तान और चीन के लिए उतना ही बड़ा सरदर्द। चाइना से पाकिस्तान एक कंसाइनमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने अपने पोर्ट पे रोक ली है, और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे केमिकल उस कंसाइनमेंट में मौजूद थे जो इंटरनेशनली बैन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। एक केमिकल जो कि राइट कंट्रोल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक चाइनीज वेसल जो थी जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, उसे तमिलनाडु की पोर्ट के करीब से पकड़ लिया। देश ही हमारा दुश्मन, और उन्होंने इंडिया ने पहले भी हमारा शिप पकड़ लिया था, इंडिया ने फिर हमारा शिप पकड़ लिया, हमारे सामान रोक लिए इंडिया ने। इंडिया तो हमारे साथ दुश्मनी करता है, हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। इस बार मैं इंडिया को एप्रिशिएट करना चाहूंगा, ऐसी चीजें अगर आपने पकड़ी हैं तो वेल एंड गुड। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट में जब इत्तेजाज होते थे, शेल बरसाए जाते थे, आंसू गैस बरसाई जाती थी, लोगों की आंखें अंधी हो जाती थी, लोग गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग, कि उन्होंने धर पकड़ लिया इन लोगों को। वैसे भी पाकिस्तान में ये आपको मालूम ही होगा कि हमारी परंपरा है कि अगर आपके घर से सोना निकल आए, आपके घर में से अगर हीरे निकल आए या कोई इस तरह का ऑयल निकल आए, तो जी वो सामान जो होता है ना, वो हम कह देते हैं, यानी गवर्नमेंट कह देती है कि वो सब चीजें जो गवर्नमेंट की है। लेकिन अगर आपके घर से ड्रग्स निकल आए, हथियार निकल आए, बॉम्ब निकल आए, तो वो सामान आपका ही होता है। ये वो तबाही पाकिस्तान में आ रही थी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चीजों को मंगवाने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये चीजें चाइना से हमारे इधर इम्पोर्ट की जाए, एक्सपोर्ट की जाए। सर सर सुनिए, आपने दो मिनट बाद छेड़ दिया ना मुझे, ऐसा पंगा लेते नहीं है, ऐसे टॉपिक लेके नहीं आते। अगर लेके कल कश्मीर का टॉपिक लेके आ गए हो, आज आप ये वाला टॉपिक लेके, फिर जो होगा देखी जाएगी। अच्छा, मैं अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीजें मंगवाने की? आप देखे मेरी बात सुन, अब आपको रिलीफ तो आप दे नहीं सकते, उधर आप करोड़ों रुपए की ये चीजें मंगवा सकते हैं, पता नहीं कितने करोड़ के वो केमिकल होंगे। ये चीजें अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम के ऊपर मारने के लिए आप ऐसी चीजें करोड़ों रुपए की मंगवा सकते हो, क्या करोड़ों रुपए का आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से अवाम बाहर ना निकले? आपको यही डर है ना कि अवाम इत्तेजाज करेगी, हम उनके ऊपर शेल मारेंगे, हम आंसू गैस मारेंगे उनके ऊपर, ये आपको यही डर है? तो आप बिजली में रिलीफ दो ना आम आदमी। एक आम आदमी जो 20-30 हजार रुपए बिल दे रहा है, जिसकी सैलरी 30,000 रुपए है, वो बेचारा शेल ही खाएगा ना, बाहर सड़कों पे आएगा, उसकी तो ये हिम्मत भी नहीं है सड़कों पे निकलने के लिए। जी, और बेसिकली तो इंडिया पैगाम दे रहा है चाइना और पाकिस्तान को कि इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नजर रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। दिस इज अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने आप को एज ए अब ग्रेट पावर के तौर पे, एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टेब्लिश कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक पोर्ट पर हमने चाइना का कुछ मटेरियल पकड़ा है जो कि एक कंसाइनमेंट था जो पाकिस्तान जा रहा था। अब पाकिस्तान जा रहा था, उसमें जांच की गई तो उसमें पता चला गया कि कुछ इस तरह के केमिकल मिले हैं उसमें जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बैन है। वो प्रतिबंधित केमिकल मतलब चाइना पाकिस्तान भेज रहा था, तो पाकिस्तान उनका क्या करेगा? खाएंगे तो नहीं वो लोग, क्योंकि अभी पैसा नहीं उनके पास, तो हो सकता है केमिकल खा के काम चला रहा हूँ तो ये तो करेंगे नहीं। इससे सीधा सीधा खतरा है भारत को, क्योंकि देखिए अब उनका आतंकवाद भी उस लेवल पे वो चला नहीं पा रहे हैं, हर तरह के हथकंडे चाइना और पाकिस्तान के फैल हो रहे हैं, तो वो इस तरह की साजिशें कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस चाइना ने दिया था दुनिया को, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर पाकिस्तान से, क्योंकि चाइनीज़ ऐसा डायरेक्ट नहीं करेंगे कि खुद किसी तरह का केमिकल यूज़ करें, क्योंकि वो पैसे क्यों दे रहे हैं? वो देखिए स्वाभाविक है, एक सेठ है, उसने अगर कुछ लोगों कर्मचारियों को लगाया तो वो खुद काम क्यों करेगा, उनसे करवाएगा। तो पाकिस्तान जैसे देशों पर हमें पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ना तो पाकिस्तान से कोई इधर आएगा ना उधर जाएगा। सीधी सी बात है, बड़ा खतरा है चाइना से किसी तरह का कोई केमिकल लाकर और भारत में फिर से फैला दिया कोरोना वायरस की तरह, तो हमारी इकोनॉमी वास्तव में ही फिर अगली बार सर्वाइव कर पाए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये लोग सीधा सीधा वॉर नहीं कर सकते, तो ये हज़ार तरह की साजिशें करेंगे। और हमें देखिए स्वाभाविक है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो हमें अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब इस तरह की घटना हुई है तो भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति बिना, या तो फिर वो अगर बहुत ज़रूरी काम से आ रहा है तो आने दो, बाकी बिना फालतू घूमने फिरने के लिए कोई भी आ रहा है तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाओ ना, पाकिस्तान से पूरी तरह से कनेक्शन खत्म करो, यही हमारी सेफ्टी की गारंटी है। बाकी फिर
इसी तरह के खतरे हमें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये तो पकड़ा गया, हो सकता है नहीं पकड़ा जाता, तो अगर चाइना जब भेज ही रहा है तो उसने तो कुछ तैयारी की होगी कि नहीं पकड़े जाएंगे, सीधा पाकिस्तान पहुंच जाएंगे ये केमिकल, और अगर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान जो करना चाहता है उनसे वो करने में कामयाब हो जाता, तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आ गया और क्या कहता है वो देखते हैं। इंडिया, आपको पता है, इंडियन ओशन के अंदर बहुत एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक है जी, और बेसिकली तो इंडिया पैगाम दे रहा है चाइना और पाकिस्तान को कि इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नजर रखेंगे, ये हमारी टेरिटरी है। दिस इज अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन प्रोडक्ट्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान के करीब जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां से भी गुजरता है, चाइना के करीब से भी गुजरता है, किसी शिप को पकड़ लें कहें जी कि हमें फिलहाल एग्रीमेंट के तहत हम ये महसूस करते हैं कि ये जो चीज है इसमें ये प्रॉब्लम है और हम इस एग्रीमेंट के तहत इसके हम जो है वो सिग्नेटरी हैं, हमने चेक करने के लिए रोक लिया। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने आप को एज ए अब ग्रेट पावर के तौर पे, एस्पायरिंग ग्रेट पावर के तौर पे अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें की जा रही हैं, एंड देन इंडिया अमेरिका को भी ये बता रहा है कि भाईजान हम इस काबिल हैं कि इस खित्ते के अंदर जो कुछ भी होगा हम उसकी टेक केयर कर सकते हैं, हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम चाइना और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट जिसे वो कहते हैं ना कि ये आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज की गई है इसमें क्या निकलता है, क्या ये वाकई कुछ ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तान कुछ केमिकल्स से कुछ बनाना चाहता है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज हो भी तो चाइना, पाकिस्तान और चाइना जो है वो लैंड रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज चाइना से चलेगी, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मिलता है, वो बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा है, कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ ऐसी अनलॉफुल चीज है, तो वो उसे एक साइप्रस की जहाज के, साइप्रस के झंडे वाली शिप में क्यों भेजेंगे, एक सवाल है ना। जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो डेली कंसाइनमेंट जाती है और डेली जो कराकरम हाईवे है उसके ऊपर चीजें आती हैं, तो उसको इस्तेमाल करने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये डुअल यूज है तो क्या चाइना और पाकिस्तान के जो C-130 है या जो जहाज हैं क्या वो नहीं उड़ते, बिल्कुल उड़ते हैं। अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा इम्पोर्ट करना हो जो वाकई ही रिगार्डिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जिसकी इंडिया बात कर रहा है, तो वो उसके जरिए भी इस्तेमाल कर सकता है। सो एक ऐसी वेसल को इस्तेमाल किया गया जो कहीं पे रजिस्टर्ड है, जिसका ओनर कहीं और है कहीं और, इंडिया ने कहा जी हम वेसनर अरेंजमेंट जो है उसके मेंबर हैं, हमने इसको पकड़ लिया। अब देखिए जो वेसनर अरेंजमेंट है ये एक, वो इंडिया कहता है कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी, एज ए मेंबर स्टेट कि हम इस जो वेपन्स और जो डुअल यूज गुड्स हैं उसके एक्सपोर्ट करो सकें। तो दोस्तों दुश्मन तो अपने हिसाब से काम करेंगे, स्वाभाविक है। अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका ने हमारे अभी 2024 में जो चुनाव हुए उनमें हस्तक्षेप किया, चीन ने तो किया ही किया, चीन तो हमारा दुश्मन है, वो तो करेगा ही करेगा, पाकिस्तान करेगा जहाँ तक बन सकता है, सोशल मीडिया पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन अमेरिका जो हमसे कहता है कि हमारा साझेदार है भारत, हमें दोस्त बताता है, और वो जो सोरोस हो गया, पन्नू हो गया, और फिर सोशल मीडिया तो स्वाभाविक है, यूट्यूब भी उन्हीं का है, गूगल भी उन्हीं का है, ट्विटर भी उन्हीं का है, फेसबुक भी उन्हीं का है। तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी जो कि 240 सीटें अकेले ले आते हैं, उन नरेंद्र मोदी को आप सोशल मीडिया पर कहीं पाओगे ही नहीं, मतलब नैरेटिव में नहीं पाओगे। उनके विरोध में जिस तरह से व्यूज और हिट्स आते हैं वो अकल्पनीय हैं। इस तरह के अगर हिट सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर एक तरफा हार होती है नरेंद्र मोदी की, ये इकोसिस्टम ऐसे काम करता है, लेकिन ज़मीन पर 240 सीटें आ जाती हैं। तो आप देखिए कि सोशल मीडिया को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, और इसमें सीधा सीधा हाथ अमेरिका का है, चाइना फंडिंग कर रहा है। अमेरिका अगर नहीं चाहता तो ये संभव नहीं था, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत में प्रधानमंत्री बदले, कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जैसे कि जेलेंस्की को बिठाया हुआ है यूक्रेन में, यूक्रेन को खत्म करवा दिया, क्योंकि अगर रूस से आपको लड़ना है, डायरेक्ट लड़ोगे तो महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर वो हारता दिखा तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, तो आपके लिए खतरा है।
और आपके देश में हमले हों ये आप भी नहीं चाहते हो, तो क्या करें? तो यूक्रेन के ज़रिए रूस को कमज़ोर करो। तो इधर चाइना खतरा बन रहा है, तो भारत में एक ऐसा पोपट बिठाया जाए नरेंद्र मोदी को हटाकर जो हमारे इशारे पर काम करे, और चीन से युद्ध करवाया जाए, तो भारत भी बर्बाद हो जाएगा, चीन भी बर्बाद हो जाएगा, हम आबाद हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग है पाकिस्तान की, और कोई भी देश नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री फिर से लौटते। सभी ने कोशिश की है लगभग, रूस को छोड़कर, रूस ने इस तरह की कोशिश नहीं की। उसने तो हमें आगाह किया था कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है भारत के चुनावों में, तो हालांकि उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, वो रूस सबसे पहले गए, उन्होंने बता दिया कि आप उस लायक नहीं हो, क्योंकि आप हाथ तो बढ़ाते हो लेकिन पीठ पे खंजर घोंपने में आप एक्सपर्ट हो। तो हालांकि अमेरिका का काम है, ये दुनिया भर में यही करता है, उसका सगा से सगा दोस्त उसकी पीठ में उसने खंजर घोंपा ही है, ये अमेरिका का कह सकते हैं कि एक रीति है उनकी। तो चल देखते हैं, लेकिन भारत को इनसे संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के केमिकल्स वगैरह ये हमारे लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इस बार तो पकड़ा गया, हो सकता है पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाता और पाकिस्तान इसका गलत यूज़ कर सकता है, क्योंकि किसी भी हो सकता है कोरोना जैसा ही कोई सिम्टम हो, उसे भारत भेज दे, भारत में फैलाने की प्लानिंग हो, तो कुछ ना कुछ ये ज़रूर कर रहे होंगे। दुश्मन है तो दुश्मन तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है।